ABCD is a parallelogram in which angle A is equals to 110 degree. Find the measure of each of the angles, angle B, angle C and angle D. तो क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD. एंगल ए की वैल्यू दी है 110 डिग्री और क्वेश्चन में रिमेनिंग एंगल्स की वैल्यू पूछ रहा है. तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की या फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की. तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. पैरेलल लाइंस के बीच में दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है या फिर पैरेललोग्राम के अंदर दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. तो इस बिहाफ पे हम एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो 180 के बराबर लिख सकते हैं. अब एंगल ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि 110 डिग्री है प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री जो कि होगा 70 डिग्री के बराबर. अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. यही हमारा आंसर होगा.